Hello dear students of class 9th, once again I welcome you all in this online session of classes. As you all know, till the very last lecture we have concluded or winded up chapter number 3, that was coordinate geometry. So today we are going to start our next chapter, that is chapter number 4, and the name of the chapter is linear equations in two variables. So linear equations in two variables, let us first of all understand the meaning of this statement, linear equations in two variables. As we have just studied in the previous chapters also, in polynomials also, that how many types of equations used to be there or how many types of polynomials used to be there. Polynomials hum logon ne dekha tha, teen types ke hote hain, linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. वैसे आपके पास इक्वेशंस भी तीन टाइप की होती हैं, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्यूबिक इक्वेशंस. अगर इक्वल टू साइन वहां पे प्रेजेंट है, दैट इज नॉट इक्वेशन. अगर इक्वल टू साइन वहां पर नहीं है तो दैट इज अ पॉलीनोमियल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन? अ इक्वेशन हैविंग डिग्री इक्वल्स टू 1. डिग्री जिसकी 1 होनी चाहिए, दैट मींस x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1. नाउ जनरली यूज्ड टू बी लीनियर इक्वेशन जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है वो सिंगल वेरिएबल की टर्म से पढ़ी है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. मतलब वहां पे कोई भी टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड, लाइक दैट. जैसे कि नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी व्हाट इज द जनरल फॉर्म, कि हम उसको लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. सो दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. वेरी क्लियरली स्टूडेंट्स यू कैन सी हेयर टू वेरिएबल्स आर हेयर यूज, एक्स एंड वाई. जो दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो एक्स और वाई हैं. एबीसी आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए इन दिस इक्वेशन, ए इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स. व्हाट इज बी ओवर हियर, बी इज कॉफिशियंट ऑफ वाई. एंड व्हाट इज सी ओवर हियर, सी इज अ कॉन्स्टेंट टर्म. अगर आपसे जनरल कोई पूछे व्हाट इज एबीसी आर हियर इन दिस इक्वेशन, ए इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स, बी इज कॉफिशियंट ऑफ वाई एंड सी इज अ कॉन्स्टेंट टर्म. सो दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अगर आपको जनरली रिप्रेजेंट करना है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. इसी फॉर्म में हम लोग अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो डिनोट करते हैं. अब देखें हम इसका सोल्यूशन फाइंड करना. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन द डिटेल हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन निकालने के दो मेथड्स हैं आप लोगों के पास. फर्स्ट इज एल्जेब्रिकली एंड सेकंड वन इज ग्राफिकली. एल्जेब्रिकली मीन सिंपल एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके जो आप वैल्यूज फाइंड करते हैं. मान लीजिए जैसे आपके पास इक्वेशन गिवन है, लेट मी गिव एग्जांपल. फॉर एग्जांपल वन इक्वेशन इज गिवन टू यू, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मीन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. अगर तो फ्रेंड सिंपल आपकी इक्वेशन एक्स की टर्म्स में होती तो आप लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं एक्स और वाई, तो आपको उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई एक सॉल्यूशन नहीं आएगा, देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स की वैल्यूज को आप कुछ भी यहाँ पे पुट करो, मान लीजिए जीरो पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आप कितनी आ जाएगी, 4. वन पुट करेंगे सो 10 माइनस 2 दैट इज 12 माइनस 2 इज 10, 10 अपॉन 3. इस टाइप से बहुत सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे अलजेब्रिकली. लेकिन स्टूडेंट जो बेसिक हम लोग जनरली जिसकी सॉल्यूशन डिनोट करते हैं या फिर शो करते हैं वो ग्राफिकली शो किया जाता है. व्हाई? बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन. क्योंकि जो ये इक्वेशन आपके पास होती है जनरल लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स, नहीं तो जो चैप्टर का नेम भी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस पूरे चैप्टर में आप लोग जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो यही करेंगे कि इस इक्वेशन को आप लोग ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं. क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन बनता है ग्राफिकली वो एक लाइन बनती है. एक कैसे बनती है, एक लाइन बनती है इस जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ. सो लेट अस नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 4.1. नाउ विल बी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4.1. The very first question is a nice question. What is that? You may be having the books with you, so you can read the question along with me. The first question is, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. आपको यहाँ पे एक linear equation लिखनी है जो इस पूरी statement को represent करे. देखिए friends, statement क्या है? The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Let me give you an example. For example, if the cost of a pen is rupees 5, or if a pen costs rupees 5, तो notebook की cost कितने कह रहे हैं? Twice मतलब 2 into, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दो गुना. 2 into 2 multiplied by the cost of pen. So cost of pen जैसे मैंने आपको example बताया 5 है, तो 2 5s are 10, तो notebook की cost हो जाएगी 10.
ये जो मैंने आपको बताया वो एग्जांपल बताया है, लेकिन अभी हमारे पास ना तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक गिवन है और ना ही कॉस्ट ऑफ पेन गिवन है, तो इसके इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स? वन लाइन की स्टेटमेंट है, इन दोनों को पहले आप एक्स और वाई एज्यूम कर लीजिए. क्यों अलग अलग एज्यूम करना है? बिकॉज बोथ आर डिफरेंट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स यूज करना है क्योंकि कॉस्ट ऑफ अ पेन अलग है और कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज अनदर वेरिएबल. सो यू हैव टू डिनोट विद अनदर वेरिएबल्स. क्वेश्चन नंबर वन, राइट डाउन लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज एक्स. बी रुपीज एक्स यू कैन डिनोट रुपीज लाइक दिस और यू कैन डिनोट लाइक सिंपल आर एस रुपीज एक्स. नाउ एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन अ मीन्स वन बी रुपीज वन सॉरी यस रुपीज सॉरी सॉरी रुपीज वाई. So what we have assumed? We have assumed the cost of notebook as x and we have assumed the notebook cost of a pen as y. Now what was the statement given to us? The statement given to us was the cost of a notebook. You can write down sentence here according to question. That means according to the statement of the question, the cost of a notebook that is x. Is means is equals to. What is the meaning of is in the equation? Is equals to. Twice means two into. दो गुना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. So two into the cost of a pen and the cost of a pen we have assumed as y. So the equation will be x is equals to 2y. अगर आपको और रिप्रेजेंट करना है तो इस 2y को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए. x minus 2y is equals to 0. So this is your required equation in the terms of two variables. देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्स एंड वाई. एक्स डिनोट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एंड वाई डिनोट द कॉस्ट ऑफ अ पेन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. यू कैन राइट डाउन इन दिस फॉर्म आल्सो एंड यू कैन स्टेट इन दिस फॉर्म आल्सो. बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर टू. यू कैन नोट डाउन दिस सॉल्यूशन. Now question number 2 is, express the following linear equations in the form of ax plus by plus c is equals to 0. आपको स्टूडेंट्स कई सारे लीनियर इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन में और आप लोगों को सारे इक्वेशंस को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. मैंने पहले बताया था कि जनरल फॉर्म में जिसमें हम लोग को रिप्रेजेंट करना भी होता है, तो क्वेश्चन भी यही है. आपको आई थिंक 7 to 8 8 equations are given to you and in all the 8 equations you have to represent those equations in this general form. That is ax plus by plus c is equals to 0 and also you have to show that what is the value of a, what is the value of b and what is the value of c. You have to represent the equation in this form and you have to tell down what is the value of a, b and c. What is a? Coefficient of x. What is b? Coefficient of y. What is c? Constant term. So in all the parts you have to tell these things. So let us first of all do the very first part. The first part is 2x plus 3y is equals to 9.35 bar. So what is this bar denotes? This bar denotes that the 5 is continuing. सर देखिए कई बार ऐसे आप लोग कुछ जो डिवाइड करते हैं कुछ टर्म्स ऐसी आती हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसे 4.77777. अगर आप स्टूडेंट्स 10 को भी अगर 3 से अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 3.333 आई थिंक. यस 3.333 करके आपका आंसर आएगा. अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे 3.333, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? देखें उसको हम इस टाइप से लिखते हैं 3.33. दैट मींस 3 थ्रीज और यू कैन सिंपल राइट डाउन 3.3 लाइक दिस. दैट 3 इज अप टू सो ऑन मींस इट इज कंटिन्यूइंग. सो दैट्स व्हाई वी राइट डाउन लाइक दिस वे 3.3 बार एंड 9.35 बार मींस 5 इज कंटिन्यूइंग. सो व्हाट वी हैव टू डिनोट? वी हैव टू डिनोट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म. हमें कैसे डिनोट करना है कि राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए. तो अगर आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड में जीरो लेकर आना तो सिर्फ एक काम कीजिए, जो भी राइट हैंड साइड में टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए. दैट मीन्स 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल्स टू 0. तो ये आपकी रिप्रेजेंट हो चुकी है ax plus by plus c is equals to 0. अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस गिवन है, नो प्रॉब्लम. c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9.35 बार. सो यू कैन राइट डाउन हियर a इज इक्वल्स टू x का कॉफिशियंट क्या है? a होता है तो यहां पर 2 है. b इज द कॉफिशियंट ऑफ y एंड दैट इज 3 ओवर हेयर.
and C is minus 9.35 bar. You have to take the consideration sign also. Coefficients, nahi to jo bhi constant term usko sign ke saath likhe, positive hai to positive, and if that is that is term is a negative, so you have to write down minus 9.35 bar. So this thing only you have to do in this question. Let us do one more part. Let us say fourth part. Let us say part number 4. And part number 4 is x is equals to 3y. So x is equals to 3y. This is your equation, given equation, and you have to represent this in the terms of x, ax plus by plus c is equals to 0. Again, I have said you have to bring right hand side 0. So jo bhi right hand side mein term hai, uska left hand side mein le aaiye. Kaisi equation ho jayegi? X minus 3y is equals to 0. This is the required equation, ax plus by plus c is equals to 0. अगर आप लोग स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सी की टर्म नहीं है, तो यू कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन एज एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो. हमें पता है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी इक्वेशन में जीरो को ऐड करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. तो अगर यहाँ पे देखो, अगर वो टर्म ही नहीं है, अगर हम देखें कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म इज एबसेंट, एक्स और वाई की टर्म तो है लेकिन सी वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, तो दैट मीन्स दैट सी टर्म इज जीरो. अगर वो टर्म वहां पर एबसेंट है तो दैट मीन्स दैट टर्म इज जीरो ओवर देयर. सो यू कैन राइट डाउन हियर A is 1, coefficient of x is 1, b is minus 3, and c is equals to 0. C is equals to 0. After that, one more part we can do. That is part number 8. Eighth part we can do. There are many parts you can do on your own. As you all know, the statements are in two line answer. 5 is equals to 2x. 5 is equals to 2x. Now, since how you are going to write down this equation, better you transpose this 5 to the right hand side, or you can transpose this 2x also to the left hand side. In both the sense, the equation will be same only. So, let us bring this 2x to the left hand side so that no confusion may be there. If you will transpose this 2x to the left hand side, kaise ho jayega? Minus 2x plus 5 is equal to 0. क्योंकि 5 का साइन ऑलरेडी पॉजिटिव है, 2x वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आई है, सो नेगेटिव साइन हो जाएगा. अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे आगे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे y की टर्म नहीं है. अगर आपको y की टर्म लिखनी है तो आप कैसे लिख सकते हैं? माइनस 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बिकॉज यू वेरी वेल नो दैट 0 y इज अ 0 एंड 0 प्लस समथिंग विल गिव यू दैट वैल्यू, सेम वैल्यू माइनस 2x प्लस 5. सो अगर आपके पास, मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई टर्म आपके पास नहीं है तो उस टर्म का मतलब है कि वो टर्म 0 है, तो उसका कॉफिशियंट भी जीरो हो जाएगा उसी टाइप से. सो हेयर यू कैन राइट डाउन, हेयर ए इज इक्वल्स टू माइनस 2, बी इज इक्वल्स टू द कॉफिशियंट ऑफ वाई 0, एंड सी इज इक्वल्स टू 5. कॉन्स्टेंट टर्म यहां पर क्या गिवन है? 5 गिवन है. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2. सो वी हैव डन 3 पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स इन 1 और 2 लाइन यू कैन डू ऑन योर ओन ऑल्सो. Now, let us move ahead to the exercise 4.2. In exercise 4.2, you have to find out the solution of these linear equations. Some linear equations are given to you and you have to find out the solution. In some of the parts, there may be asked algebraical solution, and in other parts, there may be asked graphical solution. Aapko algebraic solution bhi find karne ke liye pucha ja sakta hai. Graphical solution bhi kiya ja sakta hai. Dekhte hain kya hai. First question, question dekho. Which of the following equation... Which of the following options is true? काफी सारे options आपको given और आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा option उनमें से सही है. Now equation number, sorry exercise 4.2 we have started. So 4.2 equation. Which of the following option is true and why? For this equation, y is equals to 3x plus 5 equation आपको given है, has a unique solution. Second, only two solutions, and third is infinitely many solutions. देखिए आपको एक इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. ये आपको इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, और इसके लिए आपको पूछा जा रहा है कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है. यूनिक मीन्स वन, सिंगल. यूनिक मीन्स सिंगल वन सॉल्यूशन, या फिर टू सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी. इनफाइनाइटली मैनी मीन्स मैनी विच वी कैन नॉट काउंट. सो नाउ स्टूडेंट्स, है सॉल्यूशंस मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. कैसे फाइंड करनी है? आप एक्सिस्टेंस कुछ भी यहां पे वैल्यू पुट कीजिए, रैंडमली जीरो पुट कीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी 3, 0 जीरो, 0 प्लस 5 5.
वन पुट करके देखें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 8, इन रफ यू कैन डू. टू पुट कर कीजिए 6 + 5 = 11. सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स यू आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई. सो कितने ऑप्शन आ रहे हैं, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन कैन राइट डाउन. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. सो द गिवन इक्वेशन has infinite many solutions, infinite many solutions. You have to mention reason also because we will get many values of y after putting various values of x. तो x के अगर आप जितने मर्जी values put कर लीजिए, उन x की corresponding values के लिए आपके पास y की भी उतनी values मिलेगी. चाहे आप जितने मर्जी put करें, infinitely many values you can put. Means without any number, 0, 1, 2, 3 any points also, any values you can put. So after that, y will also get the various values, many values, innumerable values. So the equation will be having infinitely many solutions. बहुत सारे solutions इसके exist करेंगे. So ये आपका solution हो जाएगा first question का. Now, question number 2. Question number 2 is having 3 parts. Let us do the very first part. The question is, write 4 solutions for each of the following equations. Aapko equations given hai, aur in equations ke liye 4 solutions find karne hai. फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y = 7. 2x + y = 7 की आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसमें ध्यान से देखें. सॉल्यूशन मैंने पहले ही बताया कि काफी सारे सॉल्यूशंस आते हैं, लेकिन आपको इस इक्वेशन के लिए 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. दैट मींस वी हैव टू पुट डिफरेंट 4 वैल्यूज ऑफ x एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वेरियस वैल्यूज ऑफ y. सो x की वैल्यूशन देखिए, पुट x = 1. पहले x को 1 पुट कीजिए या फिर 0 पुट स्टार्ट कर दीजिए. पुट x = 0 कितने, तो y की वैल्यू फाइंड कीजिए. सॉरी, 2 × 0 + y = 7. ये वेरी वेल नो, 2 0s are 0. सो 0 + y = 7. सो y = 7. y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7. आफ्टर दैट लेट अस पुट अनदर वैल्यू. पुट x = 1. x की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए फ्रेंड्स. सो 2 × 1 + y = 7. सो 2 + y = 7. y = 7 - 2 and y = 5. Another value you can put x = 2. After that you can put x = 3. So 2 × 2 + y = 7, 4 + y = 7 and y = 7 - 4, that is 3. So y की वैल्यू एक और क्या आएगी आपके पास, 3. Another value 3 put करके देख लीजिए फ्रेंड्स. 2 × 3 + y = 7. 2 × 3 = 6. 6 + y = 7. So y = 7 - 1 and y = 6. ये आपके पास 4 solutions आए हैं. सिर्फ लास्ट में आपको solution को represent कैसे करना है, put the solutions in a tabular form. एक tabular form में, इसे टेबल में आप show कीजिए. In this way, you have to make one table and put all the values in this table. X की वैल्यू जब आपने 0 पुट की थी, y की वैल्यू कितनी आई है, 7. So first solution is 0, 7. Second solution is 1, 7 means 1, 5. जब x की वैल्यू आपने 1 पुट किया तो y की corresponding वैल्यू कितनी आई है, 5. Third is जब x की वैल्यू को आप लोगों ने 2 पुट किया है तो y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है. And in the last, so it's better you draw this table with pen and pen, sorry, with pencil and scale. And when you put x = 3, the value of y = 6. तो ये आपकी corresponding क्या आई हैं friends, values आई हैं जो आप लोगों ने x के different values को put किया है. So this is the solution of first part of question number 2. ऐसे करके आप लोग बाकी 2 parts भी कर सकते हैं. So today we have done completed exercise this 4.2
up to question number 2, and in the next lecture we'll be doing the next questions. So till then, take care, thank you, and have a nice day.